क्लास 9 से 12 तक के छात्र इस परीक्षा के चर्चा में भाग ले रहे हैं और ताल कटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और इसको आप दूरदर्शन पर लाइव भी देख सकते हैं। जी दिलीप कुमार पुष्कर, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली से ही खबर है जहां पर बजट की हलवा सेरेमनी आज होने वाली है। तो बजट डॉक्यूमेंटेशन पर काम शुरू होगा, डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग का काम आज शुरू होगा। 1 फरवरी पर पेश होगा आम बजट, आज हलवा सेरेमनी से शुरुआत की जाएगी। कुमार पुष्कर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार पुष्कर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीष, 1 फरवरी को बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, लेकिन उसके पहले जो बजट 2020 है उसमें हलवा सेरेमनी होती है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, हमें तमाम जो कॉलिग्स हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं जो वित्त मंत्रालय के हैं, उनके साथ आज हलवा बनाई जाएगी। उसके बाद तमाम वित्त मंत्रालय के करीब 100 अधिकारियों को बजट पेश करने तक उन्हें नजरबंद कर दिया जाएगा। और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस सेरेमनी के बाद जो बजट के पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी छपाई आज से शुरू हो जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुमार पुष्कर। और वहीं विहिप दर्शक मंडल की बैठक आज होने वाली है। केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक होगी और 300 से ज्यादा साधु संत इसमें बैठक करने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी आज चर्चा की जाएगी। तो माघ मेला क्षेत्र में विहिप शिविर में साधु संत बैठेंगे, बैठक करेंगे और देश के हालात पर भी विचार विमर्श करने वाले हैं। तो कई पालियों में मार्गदर्शक मंडल की आज बैठक होने वाली है। 10 बजे से 1 बजे तक ये बैठक होने वाली है। तो दूसरी पाली में 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये बैठक होने वाली है। तो मंदिर निर्माण को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 300 से ज्यादा साधु संत इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो वही पर दर्शक मंडल की आज अहम बैठक होने वाली है। केंद्र मार्ग दर्शक मंडल की बैठक होगी जिसमें 300 से ज्यादा साधु संत इस बैठक में शामिल होंगे, चर्चा करेंगे। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर के इस बैठक में चर्चा होने वाली है जिसमें 300 से ज्यादा साधु संत बैठक में शामिल होंगे, चर्चा में शामिल होने वाले हैं। तो माघ मेला क्षेत्र के वही पर शिविर में ये बैठक हो रही है। लखनऊ से खबर है जहां पर घंटाघर में महिलाओं का प्रदर्शन अभी भी जारी है। महिलाओं ने प्रदर्शन स्थल पर राष्ट्रगान गाया। 63 घंटे से महिलाओं का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ बच्चे भी अभी भी मौजूद हैं। भीषण ठंड के बावजूद सैकड़ों महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची हुई हैं, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ के घंटाघर की ये तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं अभी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लगातार 63 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद, भीषण ठंड के बावजूद यहां पर महिलाएं मौजूद है, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, नारे लगाती हुई नजर आ रही है। सीमा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमा, क्या कुछ जानकारी है, कैसी स्थिति बनी हुई है, क्या महिलाएं अभी भी मौजूद हैं, महिलाओं की संख्या टाइम के साथ, बढ़ते समय के साथ कम हो रही है या फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है संख्या? हमारी आवाज सीमाप तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सीमाप से। आपको बता दें घंटाघर में महिलाओं का प्रदर्शन अभी भी जारी है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ के घंटाघर की ये तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं का प्रदर्शन 63 घंटे से लगातार जारी है। एक बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर अभी भी मौजूद है। महिलाओं ने प्रदर्शन स्थल पर राष्ट्रगान भी गाया है। आपको बता दें कि लगातार 63 घंटे हो चुके हैं। सीमाब हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सीमाब, एक लंबे समय से महिलाएं यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, 63 घंटे से ज्यादा समय यहां पर बीत चुका है, समय के साथ महिलाओं की संख्या बढ़ रही है या फिर कम होती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये दिन चढ़ते चढ़ते महिलाओं की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। हालांकि रात में संख्या 3 दिन से देखा जा रहा है कि काफी दिन के मुकाबले में काफी कम रहती है, और रात में लेकिन महिलाएं जो है वो 150 की संख्या में यहाँ पे मौजूद रहती हैं। इस वक्त भी महिलाएं मौजूद हैं और अब महिलाओं के आने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। ऐसी सूरत हाल में प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो ठीक ठाक तादाद है, यहाँ पे महिलाएं जो है वो मौजूद हैं और
प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी हो रही है यहाँ पर, और लोगों से जो है वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं तमाम लोग कि जो ये CAA का कानून है इसको जो है वो वापस लिया जाए, इन लोगों से वापस बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो तमाम स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पे प्रदर्शन क्यों जो है वो कर रही हैं आप लोग NRC और CAA के खिलाफ? CAA के खिलाफ क्या मांगे हैं? हम मतलब जो ये आपने काला कानून लिया इसको वापस लीजिए। काले कानून को वापस लेने की बात जो है वो कर रही हैं। यहाँ पे देखिए एक ये माजूर महिला हैं, इनसे भी बात करेंगे, जो कि जो है वो दिव्यांग हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पे आंटी क्यों आई हुई हैं आप? NRC वापस लीजिए, CAC वापस लीजिए, समझे? तो इसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर वापस लें, हम लोग रात भर यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे जान चली जाए हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। जान चली जाए लेकिन यहाँ से जाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, आप क्यों आई हुई हैं? CAA तो कानून जो है जो लागू किया गया है, इसमें जो विदेश के लोग हैं, जो बाहर के जो नागरिक हैं, वो अगर वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो उनको नागरिकता देने की बात कही गई है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने की बात कही जा रही है। ना कहते हुए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। और बात यह है कि हमारे हमारे मुल्क में इतनी बेरोजगारी है, पहले उसे दूर करें, फिर गैर ममालिक के लोग आए आप उन्हें दीजिए, ठीक है? आपने सबका नाम लिया, वहाँ पर मुस्लिम का नाम नहीं लिया। अगर हम CAA के बाद NRC को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वही है। NRC में क्या होगा, आपको जितने भी मतलब लोग हैं सब कागजात दिखाएंगे, वहाँ पे मुस्लिम नहीं है, ठीक है, सारे लोग कागजात दिखाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो गैर मुस्लिम हैं उनको CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी। और पिस्ता कौन है? मुसलमान। अभी यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, प्रोटेस्ट सब कर रहे हैं। अभी नहीं ऐसा है कि हम लोग सिर्फ इसको मजहबी चश्मे से देख रहे हैं, सारे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो हमारे साथ में हैं, और हमें मतलब हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे साथ में यहाँ पर बैठ भी रही हैं, औरतें भी आ रही प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन हम लोग ये CAA NRC के खिलाफ है, क्योंकि आज CAA कर दिया है, नेक्स्ट वो NRC करेंगे। अभी उसी के लिए NPR भी आया, अब NPR में भी आप समझ रहे होंगे, अब जो सवाल आप हम लोगों से कर रहे हैं वही आप हुकूमत से पूछिए ना, हम आपके जरिए हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर लें हम आजादी तो लेके रहेंगे, क्योंकि बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा, क्योंकि ये होता है ना कि ये जो हमारे संविधान के खिलाफ है। अब संविधान को बचाना तो हर इंसान का है ना, ये भी हमारी आजादी है, हम आजाद देश में आजादी मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात। आप लोग रात भर यहाँ से प्रोटेस्ट कर रही थी, रात भर बैठी रही यहाँ पे, तो क्या किसी तरह की कोई दिक्कतें भी पेश आई है सामने? देखिए ये डेली आज की बात नहीं है, रोजाना यही दिक्कतें आ रही हैं कि पुलिस आती छीन कर सामान ले जाती है, हम लोगों को लाइटें बंद कर दी जाती है, बाथरूम में ताले लगा दिए जाते हैं, लोगों को जितना महिलाओं को जितना प्रताड़ित करना है वो कर सकते हैं। इसमें बीच बीच में मीडिया तो आती है, मीडिया से हम अपनी बात कहना चाहेंगे कि प्लीज आप हमारी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, और जिससे कि हम ये आप CAA और NRC को वापस लेने का काम करें। CAA और NRC को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पे तमाम लोग जो है वो मांग कर रहे हैं, और इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं हैं जब तक इस कानून को लेकर कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए नहीं आता है, और जब तक ये जो है वो कानून वापस नहीं हो जाता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। झांसी से खबर है जहां पर दबंगों ने शादी घर में जम करके हंगामा घाटा है। शादी घर के कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए ये दबंग नजर आए हैं। दबंगों ने कर्मचारियों से मारपीट भी की, और ये पूरी वारदात यहां पर लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हुई है। रानीपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना जहां पर दबंग मारपीट करते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, झांसी की ये तस्वीरें जहां पर दबंगों ने शादी घर में जमकर के हंगामा काटा है। शादी घर के कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए दबंग नजर आए हैं, तो दबंगों के हौसले झांसी में बुलंद हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे दबंग यहां पर कर्मचारियों से मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद से खबर है जहां पर प्राइवेट बस पलटने से हड़कंप मच गया। शराब के नशे में धुत ड्राइवर था और बस डिवाइडर से टकरा करके पलट गई। एक बड़ा सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला। लोगों में ड्राइवर के खिलाफ काफी आक्रोश भी देखने को मिला, और लोगों ने ड्राइवर को जमकर के पीट दिया। तो मझौला मानसरोवर कॉलोनी का ये पूरा मामला जहां पर एक ड्राइवर नशे में धुत होकर के बस चला रहा था, जिसके बाद बस डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ, कई यात्री इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। ड्राइवर ही छगवा लगी नहीं,
मझौला मानसरोवर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक ड्राइवर शराब के नशे में धुत होकर के गाड़ी चला रहा था। और अखबर कौशाम्बी से है, जहां पर मिट्टी का टीला ढहने से चार युवतियां दब गई। सभी युवतियों को बाहर निकाला गया, एक किशोरी की अस्पताल में मौत हो गई है। तीन युवतियों की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उनका इलाज अभी भी जारी है। तो कड़ा धाम के इस्माइलपुर गांव की ये पूरी घटना, जहां पर एक मिट्टी का टीला ढह गया और चार युवतियां इसके नीचे दब गई। आगरा से खबर है, जहां पर गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई है। झोला छाप डॉक्टर लापरवाही से महिला की मौत हुई है। मौत के बाद झोला छाप डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। अवैध तरीके से यह अस्पताल चल रहा था, तो एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की भी यहां पर देखने को मिली है, जहां पर अवैध तरीके से यह अस्पताल चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद इस अस्पताल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अब से करीब एक सप्ताह पूर्व एक ऑयल मिल में मालिक और कर्मचारी को बंधक बना करके 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चारों लुटेरों के पास से लूटे गए 1.5 लाख रुपए में से 1,40,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही बदमाशों से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एक बिमला आयल मिल है, जिसके मालिक अनुराग सिंघल है। लूट की घटना हुई थी, चार बदमाशों ने ओवर पावर करके उनसे यहाँ से 1.5 लाख रुपया लूट लिया था। वो खल खरीदने के बहाने आए थे, पहले उनके नौकर जो यामीन था उसको ओवर पावर किया, उसके बाद मालिक को करके करीब 1.5 लाख रुपया उन्होंने लूट लिया था। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। पीआरवी कर्मचारी यहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। बाराबंकी की ये तस्वीरें, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। किस वजह से आग लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने की सूचना के बाद पीआरवी कर्मचारी यहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। रामसही घाट क्षेत्र के धरौली की ये पूरी घटना। बिजनौर से खबर है, जहां पर गन्ने के खेत में गुलदार का जोड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में डर यहां पर देखने को मिला है। किसान ने गुलदार को कैमरे में कैद कर लिया है, तो ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। गुलदार की दहशत से ग्रामीण यहां पर खौफजदा है। तो रेहड़ के बादशाहपुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर गुलदार का जोड़ा दिखाई दिया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर सर्विलांस टीम की बड़ी कामयाबी मिली है और डीसीपी उत्तरी के निर्देशन में कार्रवाई की गई। चोरी और खोए हुए 24 लाख के फोन बरामद किए गए हैं। प्रभारी अनुपल पाल और टीम की कार्रवाई से बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई जिलों से 81 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, तो मोबाइल मालिकों को फोन वापस भी कर दिए गए। तो चोरी और खोए हुए 24 लाख के फोन बरामद किए गए। प्रभारी अनुपल पाल और टीम की कार्रवाई से यह सफलता पुलिस को हाथ लगी है और कई जिलों से 81 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और अब खबर रामपुर से है, जहां पर रामपुर के शहजाद नगर थाना पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दलित समाज की नाबालिग गैंगरेप पीड़िता का पुलिस ने 7 दिन बाद केस दर्ज किया है। डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें कि 7 दिन पहले ईट भट्टा पर पीड़िता के साथ 3 लोगों ने तमंचे के बल पर पिता के सामने ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। रामपुर की गैंगरेप पीड़िता को पुलिस के अफसरों पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि 7 दिन के बाद जब आईएएस अफसर ने पूरे मामले की आईएएस अफसर से जांच करवाई, तब उन्होंने आदेश दिए हैं कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो। हालांकि मुकदमा तो दर्ज अब हो गया, लेकिन सवाल फिर पुलिस के झोली में है, क्योंकि मामले की जांच पुलिस को ही करनी है। ऐसे में सवाल यह है कि निष्पक्षता के साथ अब पुलिस के अफसर उस गैंगरेप पीड़िता की जांच करेंगे, जो पीड़िता 7 दिन पहले अपने पिता और अपनी माता के साथ 7-8 घंटे तक थाना सजाद नगर में बैठकर ये गुहार करती रही कि आप गैंगरेप के आरोपियों पर FIR दर्ज करिए। हालांकि कई अफसरों ने वहां पर जांच पड़ताल करके ये बात साफ कर दी कि मामला गैंगरेप का नहीं, रुपयों के लेन देन का है। रामपुर से भारत समाचार के लिए उमपाल सिंह राजपूत। निश्चित रूप से इसकी पड़ताल की कोशिश हम कर रहे हैं, करेंगे नहीं बल्कि कर रहे हैं कि किसने इस तरह का षड्यंत्र किया, या यह भी अभी हम पड़ताल कर रहे हैं कि ये
बाप बेटी किसी और कारण से तो नहीं पहले कुछ कहा और अब कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई की तरफ तक जाना ये पुलिस का काम। देखिए मेडिकल पूरी हो। और खबर मुजफ्फरनगर से है जहां पर चंद्रशेखर रावण का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर रावण, आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाएंगे ऐसा रावण का कहना है। जामिया में लोगों को पीटा गया है। सचिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। सचिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, देर रात्रि का पूरा मामला है जहाँ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और उन्होंने सीए और एनआरसी को काला कानून बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा अपने जो हमारा ये सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है इसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाएंगे और बड़े स्तर पर ये आंदोलन करेंगे कि सरकार का रोजगार है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों को हर संभव मदद कराएंगे और मुजफ्फरनगर में जो हिंसा 20 दिसंबर को हुई थी उसमें जो नूरा की मौत हुई थी गोली लगने से उसके परिजनों और उसी के साथ साथ जो मौलाना अरशद रजा थे उनसे भी बातचीत की है उन्होंने और उन्हें कहा है कि हम हर संभव आपके साथ खड़े हैं। जी पिछले तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। लड़ाई लड़ी जाएगी और इसका बहुत जल्द 23 तारीख को आपको पता लगेगा क्योंकि हम हाईकोर्ट गए हैं और हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, उस पर बहस हुई है, नोटिस हुए यहाँ के एसएसपी को और मेरठ के एसएसपी को, उनको जवाब देना पड़ेगा 23 तारीख को। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर पुलिस और सरकार दोनों मिलकर हमारे लोगों को मारेंगी तो कम से कम कोर्ट हमारी बात जरूर सुनेगा, माननीय न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जहां हमारे निर्दोष लोग सड़ रहे हैं जेल में ये लोग। और वहीं अलीगढ़ में दो गुटों के झगड़े में राहगीर मजदूर की जान चली गई। दो गुटों में खूनी संघर्ष हो रहा था और जमकर फायरिंग हो रही थी और इस दौरान एक गोली घर जा रहे मजदूर को लग गई और आरोपी दोनों ही गुट मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोज काम पे आते थे या इलाज और रोज शाम को चले जाते थे और अभी शाम को घर नहीं पहुंचे तो यहाँ से फोन गया कि तुम्हारे पापा के गोली लग के मौके पे ही मौत हो गई। हम यहाँ पे आए तो जब तक ना ही लाश मिली है ना ही कुछ कोई पता नहीं पड़ा है कहाँ है कहाँ भेज दिए। और अब खबर फिरोजाबाद से है जहां पर भीषण कोहरे के चलते सर्दी बढ़ गई है, लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। तो उन्नाव से खबर है जहां पर उन्नाव में 30 और 31 जनवरी को गंगा यात्रा के स्वागत की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। उन्नाव में गंगा यात्रा का जनसभा, गंगा आरती, रात्रि विश्राम और अगले दिन यात्रा का बक्सर घाट से चल करके शकुंतलागंज तक पहुंचना है। यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। 34 ग्राम सभाएं यात्रा को लेकर के खास तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं जिले की प्रभारी मंत्री कमला रानी वरुण ने विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। दो चरणों में, एक बिजनौर से लेकर कानपुर, दूसरा बलिया से लेकर कानपुर जो आ रही है, तो बलिया से कानपुर जो यात्रा आ रही है वो जनपद उन्नाव में 30 तारीख को आएगी और 31 तारीख को यहाँ से समापन होगा। तो उसके क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक किया है, हमारी तैयारियों को देखा है और उसके संबंध में जो आवश्यक मार्गदर्शन था वो दिया है। और अब खबर फिरोजाबाद से है जहां पर भीषण कोहरे के चलते सर्दी बढ़ गई है, लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। कोहरे के साथ ठिठुरन भी काफी बढ़ गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही नजर आ रहा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और वाहनों की रफ्तार भी काफी थम गई है। रिंग रिंग कर यहां पर वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, ये तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर में पूरा शहर ढका हुआ है और विजिबिलिटी कोहरे के चलते काफी कम हो गई है। सितम बदस्तूर जारी है, कोहरे की बात की जाए तो भयानक कोहरा है। जीरो विजिबिलिटी पर लोग अपने वाहनों को चला रहे हैं, धीमी रफ्तार पर लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। जैसे मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन कोहरे का कहर ये है कि लोग अभी भी वाहनों की लाइटें जलाकर अपने सफर को पूरा तय कर रहे हैं। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात करें तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे अलाव या गैस हीटर या फिर कंबल वितरण या फिर रैन वगैरह बनाए गए हों जिससे लोगों को सर्दी के सितम से रोका जा सके। तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि शासन भले ही निर्देश
दे रहा हूँ, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनकी कंप्लाइंट होती नजर नहीं आ रही। फिरोजा से शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान शख्स से चैटिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। जहां पर एक लड़के ने सोशल मीडिया पर नाबालिग को अपने जाल में फंसा करके गैंगरेप किया। सोशल मीडिया से बच के रहना, चैटिंग करने वाले आपके दोस्त नहीं। दोस्त के भेष में छिपे हैं दरिंदे। अगर आप भी सोशल मीडिया पर अनजान शख्स से चैटिंग करती हैं, बातों ही बातों में आप उन पर भरोसा कर लेती हैं, तो आपकी ये गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अमरोहा में एक नाबालिग की दोस्ती फेसबुक पर एक लड़के से हुई। उसे लगा कि चैटिंग करने वाला उसका सच्चा दोस्त बन चुका है, लेकिन लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है।